नमस्कार, मैथिली न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। किसनी थाना क्षेत्र के गांव कतरा निवासी एक पिता अपने बच्चों के इलाज के लिए लाखों रुपया खर्च कर चुका है। बच्चों का इलाज कराते कराते भीख मांगने की नौबत आ चुकी है, जिसके बाद इस मजबूर पिता ने इलाज के लिए मुख्यमंत्री को खून से लिखी चिट्ठी भी लिखी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक्की की रिपोर्ट। किसनी क्षेत्र के कतरा निवासी एक पिता बच्चों के इलाज कराते बर्बाद हो चुका है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी सही ना होने पर उनके सामने बच्चों के इलाज के लिए भीख मांगने की नौबत आ गई है। पिता ने इलाज के लिए मदद के लिए मुख्यमंत्री को खून से लिखी चिट्ठी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? शिवी सिंह। कौन से गांव है आपका? कतरा। थाना? किसनी। जिला? मैनपुरी। क्या समस्या है आपके बच्चों को? सर, इन पे बच्चों पे ये समस्या है, 2-3 साल से इन पे खून नहीं मर रहे हैं। तो आपने कहाँ का दिखाया? सर, हमको जहाँ जिसने बताया वहाँ दिखाया इनको। कहाँ कहाँ? आगरा, सैफई, दिल्ली, इटावा, जहाँ जिसने बताया वहाँ दिखाया सर। इलाज में काफ़ी रुपया आपका खर्च हो गया होगा? सर, रुपया तो इतना खर्च हो गया कि 5-6 बीघा हम जमीन बेच चुके हैं। तो इन बच्चों को क्या कराना पड़ता है? हर महीने खून बदलना पड़ता है? जी सर, हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है इन पे। तो आप किसी नेता से मिले आप? जी। किनसे मिले आप? सर, हम अखिलेश भाई साहब से भी मिले, योगी के दरबार में भी गए, और DM साहब से भी मिले, विधायक जी से मिले। कोई कार्रवाई हुई आप? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। अब आगे क्या सोचा आपने? अब सर हम क्या सोच रहे, भीख मांगने की सोच रहे और क्या करें। अब जब तक जिंदा है बच्चे तब तक तो सर हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।